तो अमृतपाल को 6 दिन हो गए खोजते खोजते। 19 मार्च को हरियाणा भाग गया था और उस दिन कुरुक्षेत्र के शाहबाद में ठहरा। जानकारी ये भी कि 12 घंटे में उसने 5 व्हीकल्स बदले भी हैं। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला। 6 दिन गुजर जाने के बाद भी पंजाब पुलिस की गिरफ्त से अमृतपाल बाहर है। आपको बताएं कि अमृतपाल अब पंजाब में नहीं है, इस बात की पुष्टि हो गई है। अमृतपाल पंजाब से भागकर 19 तारीख को हरियाणा पहुंच गया था। 19 तारीख की रात में अमृतपाल कुरुक्षेत्र के शाहबाद इलाके में रुका। शाहबाद में बलजीत कौर नाम की एक महिला है, उसने अमृतपाल को पनाह दी। अमृतपाल और उसका साथी पप्पनप्रीत, जो उसका सबसे करीबी है, ये दोनों स्कूटी में पहुंचे और रात उन्होंने 19 तारीख को बलजीत कौर के यहाँ बिताई और 20 तारीख को सुबह वो स्कूटी से निकल गए। अमृतपाल और पप्पनप्रीत ने दिमाग लगाया कि अगर वो हाईवे से जाएंगे तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा, तो वो गांव की गलियों से होते हुए पंजाब से हरियाणा पहुंचे। और सोचिए, बड़ी नाकामी है कि पंजाब पुलिस ने हरियाणा पुलिस को अलर्ट कर रखा था, जो बॉर्डर्स थे वहाँ पर चेकिंग बहुत थी, लेकिन अमृतपाल ने पहले ही अपना हुलिया बदल लिया था, पिंक पगड़ी थी, दाढ़ी चिपका ली थी। यही वजह है कि वो रिक्शे वाला भी अमृतपाल को नहीं पहचान पाया, जिस रिक्शे में अमृतपाल बैठ करके जब उसकी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई तो पंक्चर बनाने के लिए पहुंचा था, लद के उस रिक्शे में अपनी मोटरसाइकिल लाद के। उसके बाद अमृतपाल और पप्पनप्रीत जब हरियाणा पहुंचे, तब भी वो सीसीटीवी से बचने के लिए अमृतपाल जब निकला है तो अमृतपाल ने फिर कपड़े बदले, पैंट और शर्ट बदली और छाता लेके चल रहा है अमृतपाल। पंजाब पुलिस के सूत्रों के माने तो अमृतपाल जानता था कि सीसीटीवी लगे हो सकते हैं, तो सीसीटीवी से बचने के लिए उसने छाता ऊपर ले रखा था ताकि वो सीसीटीवी में ना कैप्चर हो पाए। तो पंजाब और हरियाणा पुलिस दोनों ही अलर्ट पर थी, लेकिन अमृतपाल भेस बदल कर, तमाम मोटरसाइकिल स्कूटर बदल कर हरियाणा पहुंच जाता है, एक रात रुकता और अगले दिन 20 तारीख को वहां से निकल जाता है। बलजीत कौर से पूछताछ कर रही है। कल देर शाम हरियाणा पुलिस ने बलजीत कौर को गिरफ्तार किया था। बलजीत कौर पप्पनप्रीत के साथ 2.5 साल से बातचीत कर रही थी, वो अमृतपाल की जो अलगाववादी सोच थी उससे अलाइंड थी, वो कन्विंस थी, उसे पता था कि अमृतपाल फरार है, पुलिस पीछे, तब भी उसने सब कुछ जानने के बाद भी अमृतपाल को पनाह दी। पंजाब पुलिस का कहना है कि लगातार टीमें अमृतपाल की तलाश कर रही हैं, लेकिन अब कल अरेस्ट किया है बलजीत कौर को। तो सोचिए कि आज वो 20 तारीख को सुबह निकला था हरियाणा से, तो आज 23 तारीख को वो कहाँ पहुंच गया होगा। तो हरियाणा पुलिस और पंजाब पुलिस, खासकर पंजाब पुलिस और सेंट्रल एजेंसीज़ की एक बड़ी नाकामी है कि सारा तंत्र लगा हुआ है, देश की सारी खुफिया एजेंसीज लगी हुई हैं, पंजाब पुलिस लगी हुई है, तब भी एक अमृतपाल उनकी गिरफ्त से बाहर है। 2 दिन जब वो निकल जाता है कहीं से तो वहाँ के फुटेज सीज करते हैं, वहाँ के जो गाड़ियाँ सीज करते हैं। पंजाब पुलिस ने ये भी बताया कि 207 लोगों को डिटेंशन में लिया गया है, जिसमें से सिर्फ 30 को ही गिरफ्तार किया जाएगा। 177 लोगों को सिर्फ डिटेन किया गया है ताकि पंजाब के हालात ना ख़राब हों। इन 177 लोगों को छोड़ दिया जाएगा। चेतावनी देकर के पंजाब पुलिस का साफ कहना है कि किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये जो 177 लोग हैं ये बहकावे में आ गए थे, इनको नहीं पता था कि अमृतपाल के देश विरोधी मंसूबे हैं। सहयोगी संजय कौशिक के साथ पंजाब से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।